त्रिपाठी साहब हमारे बुजुर्ग साथी है, बहुत मेरा इनसे बहुत प्रगाढ़ परिचय है, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, बहुत शानदार आदमी है, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करते हैं। बच्चों, मैं एक मोटी बात आपके सामने रखता हूं। आपने खराब खाना खाया और फिर आप बीमार पड़ गए, तो खराब खाना खाया ये तो हुई वजह यानी कॉज, और बीमार पड़ गए ये हुआ उसका इफेक्ट। तो ये जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है, इसको तलाशने का नाम ही विज्ञान है कि कोई चीज हुई तो कैसे हुई, इसकी वजह क्या है, इसको समझने यही साइंस है। एक और साइंस की एक पद्धति है, एक तरीका है साइंस को आगे बढ़ाने का, साइंस को समझने का। एक चीज उसमें होती है, कुछ प्रयोग करो और फिर उससे कुछ नतीजे निकालो, यानी उसको ऑब्जर्व करो, उन ऑब्जर्वेशन से कुछ नतीजे निकालो, कुछ कायदा बनाओ, फार्मूला निकालो और उसमें फिर नए एक्सपेरिमेंट करो तो उस कायदे में सुधार करो या बेहतर कायदा बनाओ। इसी तरीके से साइंस आगे बढ़ती है। मैं आपके सामने एक नमूना रखता हूँ। मान लो हमारे सामने एक ये चादर है, ये गीली है, हम इसको सुखाना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम इसकी कई चीजें कर सकते हैं। या तो हम इसका पहले, सबसे पहले गीली चादर का वजन नाप लें, मेजर कर लो, और बाद में जब सूख जाए तो इसका वजन तौल लो। तो पहली ऑब्जर्वेशन हुई वजन, और आप देखेंगे कि वजन घटा। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये करो कि इस चादर को अगर आप खोल के सुखाओ तो देखो कि जल्दी सूखती है कि इसकी परत बना के फोल्ड करके सुखाओ, यानी चादर को अगर हम रस्सी पे डालें तो खोल के डालें ऐसी, या इसको परत बना के डालें तो जल्दी सूखती है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन कि गर्मी में चादर को सुखाएं तो जल्दी सूखेगी या ठंड के दिनों में सुखाएं तो जल्दी सूखेगी, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन आप करो। एक दिन में नहीं होंगी, आज कर लो फिर ठंड के दिनों में फिर कर लेना। तो अगर अपन ये एक्सपेरिमेंट करें। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये कि जहां चादर सूख रही है वहां पंखा चला दें ऊपर से, फिर देखें कि चादर जल्दी सूखती है कि देर में सूखती है। ये चार चीजें आपने देखी, अब इनसे नतीजे क्या निकालेंगे, इन्फ्रेंसेस क्या निकालेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन था कि चादर जब सूखती है तो इसका वजन घटता है, यानी अगर शुरू में चादर का वजन 900 ग्राम है, सूखने पे वजन इसका 700 ग्राम रह गया, तो इसमें से कितना पानी निकल गया, 200 ग्राम। इस पानी के निकल जाने को ही चादर में से पानी निकल गया, सूखना कहते हैं। तो ड्राइंग इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर एवेपोरेशन फ्रॉम द टॉवल या शीट, चादर में से पानी का निकलने को ही, पानी का निकल के उड़ जाना, इसी को हम सूखना कहते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि चादर को जब हमने फैला के सुखाया, पहले तो हमने फैला के सुखाया तो इसका एरिया ज्यादा था जहां से पानी उड़ सकता था, लेकिन जब हमने इसको मोड़ के सुखाया, परत बना के सुखाया, तो एरिया घट गया। तो देखा कि चादर खोल के सुखाने पे जल्दी सूखती है और फोल्ड करके मोड़ के उसको सुखाओ तो देर में सूखती है। इससे नतीजा क्या निकाला कि खोल के सुखाने पे एरिया बढ़ जाता है, यानी चादर सूखना की रेट इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना एरिया से पानी निकल रहा है। ज्यादा एरिया से पानी निकलेगा तो चादर जल्दी सूखेगी। तीसरी चीज, गर्मी के दिनों में चादर जल्दी सूखती है
और ठंड के दिनों में देर में सूखती है, वजह क्या है? ये गंभीर मसला है। होता क्या है कि पानी जहां कहीं भी होता है, चाहे टब में हो चाहे कपड़े में हो, पानी रुका नहीं रहता, घूमता रहते उनके मॉलिक्यूल। और सब मॉलिक्यूल जब भी, जैसे पानी मान लो बाल्टी में भरा है, तो बाल्टी के भीतर अपन को पानी तो रुका मालूम पड़ता है, लेकिन दरअसल अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो पानी के मूल दौड़, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल्स दौड़ते रहते हैं। कुछ धीरे धीरे दौड़ते हैं, कुछ तेजी से दौड़ते हैं। जो पार्टिकल पानी की सतह के ऊपर आते हैं तो उनकी सतह ऊपर निकलने नहीं देती, उनको रोकने का फोर्स लगाती है। लेकिन जो पार्टिकल तेज रफ्तार से ऊपर आते हैं, हाई एनर्जी से ऊपर आते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और कम रफ्तार वाले लौट के बाद पानी में अंदर चले जाते हैं। तो इससे हमने नतीजा क्या निकाला कि गर्मी के दिनों में पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल बाहर निकलने लगते हैं। यानी पानी के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है या उनकी वेलोसिटी है, वो गर्मियों टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। बाद में लोगों ने प्रूव किया कि एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है? चौथी ऑब्जर्वेशन कि आपने पानी का पंखा चलाया तो चादर जल्दी सूखी। अब सवाल है क्यों जल्दी सूखी? तो एक एक्सपेरिमेंट करो। जैसे मेरे पास ये गिलास है, ये गिलास है ना, इसमें अगर मैं बर्फ भर दूं और इसके ऊपर एक टाइट ढक्कन बंद कर दूं, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद इसके चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती है। अब बूंदें आई कहां से? होता क्या है कि हवा में पानी है, भाप है पानी की, और जिस तरीके से पानी को गर्म करो तो भाप बनती है, वैसे ही भाप जब ठंडी होती है तो पानी बनता है। हवा में जो भाप है उसके मॉलिक्यूल्स जब ठंडे गिलास से टकराते हैं, ठंडे चीज से टकराते हैं, तो कंडेंस हो जाते हैं, यानी उनका पानी बन जाता है। अब आप जरा अपने कपड़े को देखिए, कपड़े में दोनों चीजें हो रही हैं, पानी अंदर से बाहर निकल रहा है और हवा में जो पानी की भाप है उसके मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। लेकिन जब आप कपड़े को सुखाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स बाहर गए उनमें से बहुत सारे हवा के मॉलिक्यूल से टकरा के वापस लौट जाते हैं। जैसे मान लो एक सेकंड में किसी पानी के एरिया से 100 मॉलिक्यूल निकले और 80 वापस आ गए हवा से टकरा के, तो कुल मिला के 20 मॉलिक्यूल सी पर सेकंड निकले कहलाए उतनी जगह से। लेकिन जब पंखा चला देते तो पंखा बाहर निकले हुए मॉलिक्यूल को हटा देता है, उस भाप को हटा देता है, तो वापिस नहीं लौट पाते वो मॉलिक्यूल। कॉन्सिक्वेंटली जो 100 के मॉलिक्यूल बाहर निकले वो बाहर ही चले गए, वापिस नहीं आए, तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है, यानी कंडेंसेशन, वापिस आने का प्रोसेस घट जाता है हवा चलाने से। तो लिहाजा कुल मिला के पानी, कपड़ा जल्दी सूखता है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है साइंस के आगे बढ़ाने का। इसी तरीके से न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स किए मोशन को लेके, कि किसी चीज को चलाना है तो हम उसमें धक्का लगाते हैं या खींचते हैं। धक्का लगाने को या खींचने को अपन अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, हम कहते हैं उसमें हमने फोर्स लगाया। न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए फोर्स को, जिस तरीके से किसी आदमी के वजन को अपन किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से फोर्स का एक पैमाना है, उसका नाम लोगों ने रख दिया न्यूटन। और लगभग 10 ग्राम की किसी चीज को उठाने में जितना फोर्स लगाना पड़ता है उस फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। या 1 किलोग्राम का कोई पत्थर उठाने में जो वजन, जो जोर आपको, जो फोर्स आपको लगाना पड़े ऊपर की तरफ, उसको अपन 10 न्यूटन कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन ने हमें फोर्स के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बात बताई। अब एक बात और उसने बड़ी गंभीर बताई। उसने कहा मान लो मैं खड़ा हूं, सामने एक बच्चा बैठा है, उसके पास 2 पत्थर है,
पहले वो मुझे पत्थर धीरे से मारे, छोटा पत्थर मारे, और फिर बाद में बड़ा पत्थर मारे, उसी रफ्तार से मारे, उसी स्पीड से मारे, मुझे चोट कब ज्यादा लगेगी, सोचने लगा। तो देखा उसने कि जब बड़ा पत्थर मारा जाता है तो चोट ज्यादा लगती है। लेकिन फिर उसने क्या किया, एक बच्चे से कहा, एक पत्थर दे दिया छोटा, कि बेटा तू पहले मुझे इस पत्थर को धीरे मारना, फिर उसी पत्थर को जोर से मारना, तेज रफ्तार से मारना। जब उसने मारा तो, जब धीरे से मारा तो चोट कम लगी, जोर से मारा तो चोट ज्यादा लगी। यानी चोट दो बातों पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है, पहला पत्थर का वजन और दूसरा पत्थर की रफ्तार यानी वेलोसिटी। वजन को अंग्रेजी में मास कहते हैं। तो न्यूटन ने एक टर्म इस्तेमाल की, उसका नाम रखा उसने अंग्रेजी में मोमेंटम, हिंदी में उसको संवेग कहते हैं, गुजराती भाषा में उसको वेगमान कहते हैं। अभी मैं गुजरात गया था तो वहां वेगमान कह रहे थे लोग। तो न्यूटन ने कहा कि वेगमान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेजी में इसको इम्पैक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट। और किसी पत्थर के मारने पर जो चोट लगती है उसको इम्पैक्ट कहते हैं, और वो डिपेंड करता है मोमेंटम पर, पत्थर के मोमेंटम पे। इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। अब हुआ क्या, न्यूटन एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टेबल पे दो पत्थर रख दिए, 1 किलो का पत्थर और 2 किलो का पत्थर, और उसने दोनों पे बराबर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो उसने देखा कि छोटा पत्थर जल्दी आगे चला गया, बड़ा पत्थर धीरे धीरे आगे गया। न्यूटन को बड़ी बेचैनी हुई कि ये क्या बात है, हमने बराबर फोर्स लगाया था तो दोनों की रफ्तार बराबर क्यों नहीं आई। लेकिन जब दोनों के रफ्तार का उसने उनके वजन में गुणा किया यानी संवेग निकाला, तो देखा दोनों पत्थर का संवेग 1 सेकंड के बाद 10 यूनिट हो गया, और यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चाहे वो छोटा पत्थर हो चाहे बड़ा पत्थर हो। तो न्यूटन ने कायदा बना दिया, और ये साइंस का आज तक का सबसे बड़ा कायदा कि किसी भी चीज पर आप फोर्स लगाओ, जितना फोर्स लगाओगे उस चीज का मोमेंटम 1 सेकंड बाद उसे नहीं बढ़ जाएगा। अगर सवेर शुरू में मोमेंटम चीजें रुकी है तो मोमेंटम 0 हुआ। आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो चाहे वो आप घोड़े पे फोर्स लगाओ, चाहे हाथी पे लगाओ, चाहे चूहे पे लगाओ, अगर बराबर फोर्स लगाया तो सबका मोमेंटम 1 सेकंड के बाद 20 यूनिट हो जाएगा, 2 सेकंड के बबाद 40 यूनिट हो जाएगा, 3 सेकंड के बाद 60 यूनिट हो जाएगा। अंग्रेजी में उसने लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन की गति का नियम निकलेगा। यानी जो टर्म न्यूटन ने इस्तेमाल किया उसको प्रैक्टिकली उसको फील किया, मोमेंटम को फील किया, फोर्स को फील किया कि 1 न्यूटन फोर्स कितना, 10 न्यूटन फोर्स कितना, और फिर उसने इनका रिश्ता निकाल दिया। इस तरीके से साइंस आगे बढ़ती है। न्यूटन ने यह काम किया था सन 1686 में, 1686 में। उसके करीब 90 साल के बाद 1776 में एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जेम्स वाट ने, और जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। जब भाप का इंजन बना तो इंग्लैंड में बना था, ये इंग्लैंड में न्यूटन थे, इंग्लैंड में जेम्स वाट था। वाट ने जब भाप का इंजन बनाया, इंजन था क्या उसका, जरा मोटे मोटी चीज समझ ले। उसने क्या किया जेम्स वाट ने, आप उसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपके घर में आपको दाल पकानी है, आप करेंगे क्या? दाल पकाने के लिए आप कोई चूल्हा लेंगे, उसके ऊपर कोई भगोना रखेंगे या पतीली रखेंगे, पतीली में पानी डालेंगे, दाल डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और ढक्कन से ढक देंगे, नीचे चूल्हे में आप लकड़ी जलाएंगे। वाट के जमाने में बिजली नहीं होती थी, लोग लकड़ी से ही खाना पकाते थे, तो गैस नहीं होती थी, गैस के सिलेंडर वगैरह नहीं होते थे। अब उसने देखा कि धीरे धीरे जब आग जलने लग गई तो कुछ देर के बाद वो जो ढक्कन था वो ढक्कन ऊपर उठा और फिर गिर गया,
ऊपर उठा और फिर गिर गया। तो उसने देखा ऐसा हुआ क्यों, उसने देखा कि अंदर पानी है, जब गर्म करते हैं उसको तो खोलता है, उससे भाप बनती है, और ज्यादा देर तक खोला हो तो ज्यादा भाप बनती है, भाप ज्यादा बनती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर होने से वो ढक्कन को ऊपर उठाती है, और जब ढक्कन ऊपर उठता है तो भाप ढक्कन के नीचे से और पतीली के बीच में जो जगह बन जाती है उसमें से बाहर निकल जाती है, तो प्रेशर घट जाता है तो ढक्कन नीचे गिर जाता है, कुछ देर के बाद फिर भाप बनती है तो फिर उठाती है, तो बार बार ढक्कन ऊपर जाता है नीचे गिरता है ऊपर जाता है नीचे गिरता है। ये जेम्स वाट ने देखा, तो उसने कहा कि भाप में तो इंजन ढक्कन को उठाने की ताकत है। अगले दिन उसने क्या किया, एक ऐसी पतीली ली जिसके ऊपर चूड़ी वाला ढक्कन कस दिया उसने, उस ढक्कन में उसने एक छेद कर दिया, छेद के ऊपर एक पत्थर रख दिया। अब उसने पतीली के अंदर पहले पानी डाला, दाल डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, वो चूड़ी से ढक्कन बंद कर दिया और जो सुराख था छेद था उसके ऊपर उसने पत्थर रख दिया और नीचे आग लगा दी। अब उसने कहा ऐसा नहीं कि ये पत्थर उड़ जाए, तो उसने अंगूठे से दबा लिया, उसको अंगूठे से दबा लिया, नीचे आग जब जलने लगी तो उसको ज्यादा जोर से दबाना पड़ा, नहीं तो पत्थर उठना चाहता था ऊपर, तो उसने और कस के दबाया। बाद में जैसे ही उसने अंगूठा हटाया पत्थर उड़ा और वो जाके छत से टकराया। तो जेम्स वाट ने कहा यह तो बड़ी गजब की चीज है कि भाप इतना ऊंचा उछाल सकती पत्थर को कि छत पे चला जाए। तो उसने कहा कि अब एक सिलेंडर ले आए जेम्स वाट, ऐसा सिलेंडर होता है ये सिलेंडर, खड़ा सिलेंडर ये आड़ा सिलेंडर लेटा दिया और इसके अंदर उसने एक पिस्टन डाल दिया। पिस्टन माने ऐसी गोल चीज इसी आकार की, और जैसे साइकिल में हवा भरने का पंप होता है ना, उसमें वाशर होता है और अपन एक पिस्टन डालते हैं उसमें, तो उसने एक पिस्टन डाल दिया ढक्कन ऐसा ऐसा अंदर वाला, और उसमें डंडी लगी थी उसको पकड़ लिया, इसमें थोड़ा सा पानी भर दिया और नीचे से गर्म किया। एक इसमें उसने थर्मामीटर लगा दिया ऊपर थर्मामीटर। अब क्या किया कि जैसे ही भाप बनी इसमें तो वो जो पिस्टन था वो बाहर की तरफ ये ठेले ही भाप ने ठेला, तो उसने कसके पकड़ लिया। कुछ देर के बाद उसने नीचे का हीटर या जो बर्नर था चूल्हा था हटा दिया। अब जैसे ही उसने ढक्कन को छोड़ा, उसको पिस्टन को छोड़ा, तो पिस्टन बाहर गया आगे की तरफ गया, और जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ गया तो ये जो अंदर की भाप थी वो फैली। उसने पुश किया ढक्कन को पिस्टन को इस तरफ और टेम्परेचर घट गया। ये बड़ा गजब का चीज देखी कि जैसे कोई भाप या हवा या गैस फैलती है ठेलती है पिस्टन को तो ठंडी हो जाती है, यानी किसी चीज को ठेलने में काम करना पड़ता है वर्क, उसमें एनर्जी लगती है एनर्जी। जेम्स वाट ने कहा कि हीट इसमें बदल गई पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरीके से एनर्जी का एक शक्ल होती है हीट और दूसरी शक्ल होती है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज कोई चीज चलती है तो हम कहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द मोशन है। ये चीज उसने देखी। उसके बाद लोगों ने इंजन बनाया, रेलगाड़ी चलाने वाला इंजन बना लिया इसी सिद्धांत पर, फिर कपड़े के कारखाने बना लिए, और अगले 24 साल में यानी 1800 तक इंग्लैंड का एक बड़ा शहर है मैनचेस्टर, उसमें बन गए 42 बड़े बड़े कारखाने। तो अब तक तो मैंने आप लोगों को साइंस का कायदा समझाया कि कायदे इवॉल्व कैसे हुए, समझ में कैसे आए, लोगों ने फॉर्मुलेट कैसे किए कायदे, न्यूटन ने गति के नियम कैसे बनाया, जेम्स वाट ने हीट इंजन का सिद्धांत कैसे दिया, ये तो कायदे मैंने बताए। अब जब मशीन बन गई, इंजीनियर लोगों ने मशीनें बना दी, कारीगर लोगों ने मशीनें बना दी, बड़ी बड़े कारखाने, कपड़े के कारखाने में तो हजारों लोग काम करते थे। अब इसका समाज पर प्रभाव देखो बेटा,
कई चीजों का अच्छा प्रभाव पड़ता है, कई चीजों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों पे अच्छा पड़ता है, कुछ पे बहुत ही बुरा पड़ता है। नतीजे ख्याल पर देखें जरा आप गौर करें तो विज्ञान कोई बहुत ही परदेशी चीज नहीं, हमारे और तुम्हारे सोच के दायरे की चीज है। हर बच्चा ये साइंस में काम कर सकता है अगर उसको मौका मिले, एक्सपेरिमेंट करने वाला, समझाने शुरू में समझाने वाला कोई टीचर या एक्सपर्ट मिल जाए, कोई प्रयोगशाला मिल जाए काम करने की, तो अपन सब कर सकते हैं ये काम। लेकिन इसका असर क्या हुआ? जब इंग्लैंड में कारखाने बने सन 1800 तक, बड़े बड़े कारखाने बन गए कपड़े के, उस वक्त हिंदुस्तान का कपड़ा बनता था गांव में। लोग चरखे पे सूत काटते थे रुई से, और हमारे जुलाहे हैंडलूम के ऊपर उसका कपड़ा बुनते थे, और वो कपड़ा दुनिया के बाजारों में भी बिकता था, अपने देश में भी बिकता था। हमारे दोस्त थे इश्तियाक, प्रोफेसर थे IIT में, टेक्सटाइल के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे, उनने मुझे बताया कि अंग्रेजों की हुकूमत के पहले, अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में चालू की 1757 में सिराजुद्दौला को हरा के। सिराजुद्दौला 23 साल का लड़का था जो बंगाल का नवाब था, और बंगाल में बड़े बड़े शहर थे ढाका, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ पे बेहतरीन कपड़ा पैदा होता था, तमाम जगहों से लोग वहाँ पे काम करने जाते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के पहले 300 साल तक अकाल नहीं पड़े, चाहे वो अकबर का जमाना हो, बाबर का जमाना हो, उनके बाद का जमाना हो, या उनके पहले का जमाना हो मराठाओं का, कभी अकाल नहीं पड़े थे 300 साल तक। यह हिंदुस्तान की उद्योगों का और खेती विकसित थी उसका असर था। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने देखा कि हमारे कारखानों के लिए चार चीजों की जरूरत। पहली चीज, कारखाना बनाने के लिए लोहा चाहिए। दूसरी चीज, कारखाना चलाने के लिए ईंधन यानी कोयला चाहिए, जिससे भाप बने, भाप से फिर इंजन चले। तीसरी चीज, कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए यानी रुई चाहिए। चौथी चीज, कारखाने का जो माल पैदा हो, कपड़ा बने, उसके बेचने के लिए बाजार चाहिए। अब हुआ ये कि उस जमाने में हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का कपड़ा चलता था, अंग्रेजों ने 1800 तक आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, सिराजुद्दौला को मार दिया, टीपू सुल्तान को मार दिया, जो बहुत बड़े अंग्रेजों से लड़ने वाले मजबूत हमारे मुल्क के राजा थे उनको मार दिया, और धीरे धीरे मराठाओं को मार दिया, सिख राजाओं को मार दिया, और गुलाम कर बना लिया हिंदुस्तान को। जिस दिन अंग्रेज गुलाम बनाते थे, जिस इलाके को कह देते यहाँ की सारे लोहे की खदाने हमारी, सारे कोयले की खदाने हमारी, सारे खेत हमारे, और जुलाहों से कहते थे कि तुम अगर मुर्शिदाबाद में कपड़ा बनाओगे और वो कपड़ा बिकने जाएगा कलकत्ता में, तो उस पर टैक्स लगेगा, वहां से बिकने दिल्ली आएगा तो टैक्स लगेगा, जबकि अंग्रेजों का कपड़ा बिकने आता था हिंदुस्तान, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसानों से कह दिया कि आप अगर हमें रुई बेचोगे तो हम आपके लिए अच्छा, आपके लगान पे कुछ आपको माफी दे देंगे, अपने देश के जुलाहों को बेचोगे तो आपको लगान ज्यादा देना पड़ेगा। किसानों पे ये भी बंदिश लगा दी, क्योंकि अंग्रेज व्यापार भी करते थे और चीजों का, तो उन्हें देखा कि चीन में अफीम हम बेचेंगे तो मुनाफा कमाएंगे, तो किसानों से कहा तो अफीम पैदा करो खेती की जगह। इंग्लैंड के कारखाने के कपड़े को चमकाने के लिए नील की जरूरत थी, तो बिहार के किसानों से कह दिया कि तुम इसमें नील पैदा करो अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर। यूरोप में चाय बिकती थी, तो आसाम के किसानों को मजबूर कर दिया कि तुम चाय पैदा करो। तो इन चीजों को मिट्टी मोल दाम में अंग्रेज खरीदते थे और बहुत महंगा करके बेचते थे। तो इस तरीके से कारखाने बने तो इंग्लैंड में, उसकी वजह से हिंदुस्तान के उद्योग चौपट हो गए, हिंदुस्तान में पड़ने लगे अकाल, भूखमरी, लोग भूखों मरने लगे, जुराहे बेरोजगार हो गए।
किसान अनाज कम पैदा कर पाते थे क्योंकि बाकी जगह उनके लिए कारखाने के लिए या तो कपास पैदा करना होता था या अफीम या नील या चाय वगैरह वगैरह। तो हिंदुस्तान का किसान भूखों मरने लगा, हिंदुस्तान में अकाल पड़े जबरदस्त। 1898 में एक अकाल पड़ा जिसमें 1,40,00,000 लोग मरे। दूसरा अकाल 1902 में पड़ा जिसमें 50,00,000 लोग मरे। यानी साइंस बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म, विज्ञान गुलाम बनाने का हथियार बन गया। इंपीरियलिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद, के दबा के रखो, कुचल के रखो, अपनी मर्जी से चीजें कराओ। और हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका भी खड़ा किया गया अंग्रेजों की तरफ से, जमींदारों का, सूदखोरों का यानी ब्याज लेने वालों का, अफसरों का, जो आदमी को जानवर से बुरा समझते थे। तो ये चीज, ये असर हुआ विज्ञान का हिंदुस्तान सरीखे देशों पर, चीन पर, अफ्रीकन देशों पे, दक्षिण अमेरिका के देशों पर, यानी यहाँ बर्बादी आई। और इंग्लैंड में रईसी आ गई, सबके लिए नहीं, कारखाने के मालिकों के लिए और उनके अफसर तबके के लिए, व्यापारी तबके के लिए बहुत माल पहुंचा। एक आंकड़ा ये बताता है, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर उत्सव पटनायक, उन्होंने एक आंकड़ा निकाला। उस आंकड़े में ये बताया कि अंग्रेजी राज में हिंदुस्तान की $45 ट्रिलियन, एक ट्रिलियन के माने 1,00,000 करोड़, यानी 1,00,000 करोड़ रुपए के अगर आपके पास 1,00,000 नोट हो तो उसको 1 ट्रिलियन रुपया कहेंगे। लेकिन मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, $45 ट्रिलियन, यानी 1,00,000,000,000,000 के 45 नोट, और ट्रिलियन माने 1,00,000,000,000 के, 1,00,000,000,000 के 1,00,000,000 नोट। इतना आप पैसा दो, इतना पैसा हिंदुस्तान इंग्लैंड गया। इसको समझने के लिए मोटे तौर पे समझो, आज हमारे देश का पूरा, पूरी आमदनी, सकल राष्ट्रीय GDP जिसको कहते हैं, वो $3 ट्रिलियन है। तीन, यानी आज की जितनी हमारी कमाई है सब पूरे देशवासियों की, व्यापारियों की, किसानों की, अफसरों सबकी मिला के जितनी कमाई है उसकी 15 गुनी कमाई हिंदुस्तान से लूट के इंग्लैंड गई, जिससे हम भूखों मरे। तो साइंस का फर्ज क्या था, साइंटिस्टों का फर्ज था, ये हर धर्म की किताब में, हर दर्शन शास्त्र की किताब में इंसानियत का पहला असूल लिखा है कि अगर आपके काम से दूसरों को नुकसान पहुंचे तो वो काम आप ना करो। लेकिन साइंटिस्टों ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने कहा हमें तो हमारे मालिक हमें तनख्वाह दे रहे हैं, हमने इनके लिए मशीनें बना दी, बंदूकें बना दी, हथियार बना दिए, अब उनका इस्तेमाल जैसे ही चाहे करें। तो उन्होंने, उन मालिकों ने उनका इस्तेमाल दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए किया, और देशों दर देश गुलाम बन गए, दुनिया में तबाही आ गई। ये तो हुआ नेगेटिव असर विज्ञान का। लेकिन एक पॉजिटिव असर क्या हुआ वो भी आप जरा देख लें। क्या हुआ कि कारखाने में काम करने के लिए जरूरत थी खास किस्म के कारीगरों की, जो हुनर जानते हो, मशीनों को चलाना जानते हो, मशीनों को सुधारना जानते हो। तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो भाषा में होती, अंग्रेजी में या इटली में या इटालियन में या जर्मन में, तो भाषाओं को पढ़ाने का भी सिलसिला चालू हुआ। जब भाषाओं के साथ साथ चीजें पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, उनको सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है, तो जब पढ़ाई का दायरा फैला तो जो पद्धति साइंस की है कि प्रयोग करो, उससे कुछ नतीजे निकालो, सच्ची बात करो और उसका असर किस पे कितना पड़ रहा है इसको स्टडी करो,
तो एक आदमी खड़ा हुआ जर्मनी में, शुरू में तो बच्चा ही था वो, लेकिन बचपन से होशियार था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। तो जिस तरीके से न्यूटन ने गति के नियम निकाले प्रयोग करके, कार्ल मार्क्स ने देखा कि कारखाने बन रहे हैं, लोग रईस बन रहे हैं, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? तो देखा उसने कि मेहनत करने वाले को तो तनख्वाह मिलती है, और उस मेहनत करने वाले को तनख्वाह मिलती है जो कारखाने में काम करता है, लेकिन कारखाने तक जो कच्चा माल लाता है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। कारखाना जब तक किसान उसके लिए रुई नहीं देगा, या मजदूर जब तक कोयला नहीं भेजेगा कारखाना चलाने के लिए, कारखाना चलेगा कैसे? तो मार्क्स ने सब पर विचार किया कि कारखाने से जुड़ा हुआ किसान, मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, इन सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है कि पैदावार बढ़ती है, पैदावार होती है, उसका फायदा सबको पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे ज्यादा फायदा होता है मालिक को, उसके बाद सबसे ऊंची तनख्वाह मिलती है मैनेजर को, फिर थोड़ी कम तनख्वाह मिलती है इंजीनियर को, फिर उससे और कम तनख्वाह, बहुत कम तनख्वाह मिलती है कारखाना चलाने वाले मजदूरों को, और उससे ना के बराबर तनख्वाह मिलती है जो कच्चा माल पैदा करे या कोयला पैदा करे उनको, उनकी तो लूट होती है। तो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत निकाला, उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ सरप्लस वैल्यू। उसने कहा कि असल दौलत पैसे से पैदा नहीं होती, असल दौलत मेहनत से पैदा होती है। कोई मजदूर जब खेत में या कारखाने में काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तो जितनी उसको मजदूरी मिलती है वो तो 3 घंटे के काम के बराबर है, बाकी 5 घंटे जो एक्स्ट्रा काम करता है वो मुनाफा की शक्ल में मालिक के पास या सरकार के पास टैक्स की शक्ल में पहुंचता है। तो हमारी जो सरकारें ऊपर से हल्ला मचाती है कि साहब हमने आज आपके लिए मुफ्त में अनाज दे दिया, आपके लिए गैस सिलेंडर दे दिया, प्रधानमंत्री क्या उसको पैदा करते हैं? क्या पैदा तो किसान मजदूर करता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो। तो जो तबका पैदा करता है वो ही आज इतना फकत हाल है, क्योंकि उसको वाजिब अपनी उपज का दाम नहीं मिलता, मजदूरी का पैसा नहीं मिलता। ये बात कार्ल मार्क्स ने समझाई, और मेरे हिंदुस्तान में फौरन इसको पकड़ा दादा भाई नौरोजी ने, बुजुर्ग थे अपने हिंदुस्तान के, गांधी जी के पहले। उन्होंने इसके बारे में इंग्लैंड में जाके लेख लिखे वहां के अखबारों में कि हमारे लिए तो अंग्रेज सरकार लूट रही है। फिर गांधी जी ने उस बात को बहुत सरल तरीके से अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा, मैं मानता हूं कि जितना महत्वपूर्ण न्यूटन का गति का नियम, उतना ही महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स का ये नियम, सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। आप सब बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हो, अभी आपको ये कायदा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिमाग में बिठा लो कि असली दौलत पैदा करता है मजदूर, कारीगर और किसान, और आपके जो शिक्षक हैं वो भी श्रम तो नहीं करते हाथ का है। इतना बोर्ड पे लिखने में तो श्रम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मानसिक श्रम करते हैं, वो भी आपकी जिंदगी में आपको चीजों को समझने में मदद करते हैं, इसलिए उनका भी योगदान इस पूरे प्रोसेस में है, उनकी भी आप इज्जत करो। तो विज्ञान का ये जो उसको विज्ञान के तरकीब को जब अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में इस्तेमाल किया गया, शोषण को क्वांटिफाई किया गया, तब देश में और दुनिया में आजादी के आंदोलन चले। गांधी जी ने तो पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी। 23 साल का गांधी जब वो पहुंचे दक्षिण अफ्रीका, तो उन्होंने देखा यह तो रंगभेद है। विज्ञान तो ये कहता है कि सारे के सारे इंसान इस धरती पर जो पैदा हुए सबको पूरी इज्जत और आजादी से, बराबरी से रहने का अधिकार है। ये क्या के साहब, अगर आप बहुत गोरी चमड़ी के हैं तो आपको रहने का ज्यादा आराम,
और बाकी लोगों को गुलाम बन के रहना। गुलाम बनने के लिए तो इस धरती पे किसी को भगवान ने पैदा किया नहीं। हर इंसान इस धरती पर मुकम्मल आजाद रह के जीने को आया है, और हर इंसान का यह फर्ज है कि वो दूसरों को जलील ना करे, दूसरों की आजादी का सम्मान करे। ये दोनों चीजें, खुद आजाद रहो, दूसरों को आजाद रहने में मदद करो, किसी की आजादी का अतिक्रमण मत करो। विज्ञान का मोटा असूल जो आपके व्यवहार पे लागू होता है, जिसको हमारे ऋषियों ने, पैगंबरों ने, सूफियों ने, संतों ने, हमारे मजदूरों ने, किसानों ने अपनी जिंदगी में जिया, आज जी रहा है किसान मजदूर इस बात को, अपनी जिंदगी में प्रकट है उनको। जो आदमी ईमान की रोटी खाता है सच्चा संत है। और ये देश वगैरह का जो तमाशा खड़ा किया गया है, इसके बारे में भी गौर से सोचने की जरूरत है। जब हम विज्ञान से समाज के रिश्ते की बात करते हैं तो सिर्फ मशीनों के समाज से रिश्ते की बात नहीं करते, हालांकि बहुत गंभीर है कि जब से बड़ी मशीन आई तब से मुट्ठी भर लोग खरबपति बन गए। बाजार और सरकारों के की मदद से, और जो मेहनत करने वाला तबका है वो बिल्कुल रोटी रोटी को मोहताज रहा, अनाज पैदा करता है लेकिन भूखा मरता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो विज्ञान ने, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को जागरूक बना दिया। अभी हमारे हिंदुस्तान के कुछ वैज्ञानिकों ने काम किया और दुनिया भर में चल रहा है वो काम, अकेले हिंदुस्तान की बात नहीं है। रॉकेट का जो काम चल रहा है जिससे कि आप चंद्रमा पे जाते हो, उसकी शुरुआत तो सोवियत यूनियन में रूस से हुई। 1957 में यूरी गागरिन पहले गया, फिर अमेरिका ने 1958 में प्रोग्राम चालू कर दिया और ने कहा कि हम चंद्रमा पे आदमी भेजेंगे। ये सब ठीक है, चलता रहता है, लेकिन असल बात आपको बताई नहीं जाती कि रॉकेट विज्ञान के पीछे ऐसा क्या चीज निकल के आई। चंद्रमा के आपको दर्शन हो गए, आपको जमीन में गड्ढे वड्ढे देखाए, चट्टाने देखाए, वहां क्या है, हवा तो है नहीं, पानी है नहीं, कोई जिंदगी है नहीं, लेकिन देखा है। लेकिन जो रॉकेट आपने विकसित किए उसमें दो काम किए जो छुपाए गए लोगों से। पहला काम यह किया कि जिन देशों ने बड़े बड़े रॉकेट बनाए, अमेरिका, रूस वगैरह ने, उन्होंने उन बहुत सारे सैटेलाइट भेजे अंतरिक्ष में रॉकेट के जरिए, और उनमें परमाणु बम रख दिए, जब चाहेंगे तब गिरा देंगे, जिस मुल्क पे चाहेंगे उस पे गिरा देंगे। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम उन्होंने कहा इनको हम एक मिरर के जरिए, एक रिफ्लेक्टर के तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अपनी आवाज, अपनी कोई इंफॉर्मेशन, सूचना, चाहे वो मोबाइल के फोन की खबर हो जो अपने दोस्त को भेजना चाहे, तो खबर सीधी नहीं जाती, पहले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं, वहां से टकरा के वापस आती है तो धरती के दूसरे इलाकों में जाती है। तो कम्युनिकेशन के लिए, यानी दूर संचार के लिए, फोटो भेजने के लिए, खबरें भेजने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल, ये दो चीजें निकल के आई। इनके बहुत फायदे के भी है और बहुत नुकसान भी है। अब उस पर अभी इस वक्त में चर्चा नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अंतरिक्ष विज्ञान को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ें, लेकिन आंख खुली रखें। इसमें घमंड करने की बात नहीं है कि हमने कर लिया, हमने कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने जरूर विज्ञान में योगदान हमेशा दिया, आज भी दे रहे हैं, बड़ी बात है, उनका हम सम्मान करें। लेकिन उतना ही कंट्रीब्यूशन देश को ऊंचा उठाने में किसान का भी है, मजदूर का भी है, आपके पिताजी और माता का भी है जो घर में खाना पकाती है। ये सारी की सारी चीजें मिलके ही मनुष्य जाति ऊंची उठती है, सबका विकास होता है। किसी काम को छोटा बड़ा मानने की जरूरत नहीं। एक पद्धति होती है विज्ञान में शोध करने की, लेबोरेटरी चाहिए, संसाधन चाहिए, उनको मिल जाते हैं, वो उसमें काम करते ही हैं। और उसमें हर देश का विज्ञान अलग अलग नहीं होता, सब मिलजुल के होता है। कोई चीज यहाँ डेवलप हो गई, कोई पाकिस्तान में डेवलप हुई, कोई चीन में डेवलप हुई, कोई अमेरिका में डेवलप हुई, और ये वैज्ञानिक हमेशा सालों में मिलते ही रहते हैं,
कोई यहां से सीखता है, कोई वहां से सीखता है। हमारे हिंदुस्तान में हमने कंप्यूटर तो नहीं बनाया, लेकिन कंप्यूटर अमेरिका में बना तो हमारे यहाँ आ गया, वो तकनीकी आ गई है। उसी तरीके से टेलीविजन हमने नहीं बनाया था, लेकिन जहां बना वहां से हमारे यहाँ आ गया। हमारे यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने जो चीज विकसित की, खेती की टेक्निक विकसित की, वो हमने विदेशों को दी। तो ये पूरी दुनिया में तकनीकी का, साइंस का आदान प्रदान होता रहता है, होना ही चाहिए, खुल के होना चाहिए, लूट के वजह से नहीं। किसी देश में कोई दवा निकाल ली किसी चीज ने, एक जमाने में हमारे हिंदुस्तान का औषधि विज्ञान, जो आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान है, बहुत ऊंचा था। तो दुनिया के लोग हमसे दवाइयां सीखते थे कि इस जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी ठीक होगी। तो हमें वो चीज अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए, लेकिन घमंड ना करें। जो आदमी घमंड से ऊपर उठ जाता है, उसका दिमाग भगवान बहुत खोल देता है, उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। इसलिए घमंड से हट के चीजों को प्रैक्टिकली करें, उनसे नतीजे निकालें और उससे कुछ कायदे बनाएं, कायदे बना के नए एक्सपेरिमेंट करें। इस तरीके से हम साइंस को आगे बढ़ाएं कि विज्ञान सारी मानव जाति की मिली जुली विरासत है। जिनको मौका मिला साइंस के प्रयोग करने का, उन लोगों ने साइंस को के प्रयोग करके नए कायदे बनाए, मशीनें बनाई, अच्छा किया। एक गलती उनसे हो गई कि जब उन मशीनों का दुरुपयोग दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए किया गया, वहां भुखमरी पैदा करने के लिए किया गया, तो वैज्ञानिकों ने आवाज नहीं निकाली। ये उनकी कमी रही। जब मौका लगे तो अपनी तरीके से छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं हम करें, विज्ञान के प्रयोग भी करें और समाज के भी करें। समाज में इस वक्त एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वैज्ञानिकता की, वो है हमारा सोच। हमारे दिमाग में जहर भर दिया गया है, नफरत का जहर, कि मेरा धर्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मेरा देश बड़ा। ये बड़ापन हमें अपने कमजोर गरीब देशवासियों को देखने नहीं देता। हम उनको मार के खुश होने लग जाते हैं। अगर मैं हिंदू हूं, पता लगे मुसलमान की बर्बादी हो गई तो हम खुश होते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं, पता लगे कि किसी हिंदू का घर जल गया, हमें खुशी होती है। इस तरीके का घटियापन हमें इंसानियत से भी नीचे गिराता है। इसमें विज्ञान की क्या जरूरत, विज्ञान कहाँ आता है, आप जरा गौर कर लें। एग्जैक्टली जैसे आप हैं, अगर आप हिंदू हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही मुसलमान है, एग्जैक्टली वैसे ही सिख और ईसाई है। जैसे आप हिंदुस्तानी वैसे दूसरा पाकिस्तानी है, चाइनीज है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, कोई फर्क नहीं। इंसान आंख खोल के देखो, ये जो दायरे खड़े कर रखे हैं, ये आपके दिमाग में कुछ इमेजेस बिठा दी गई, उनने खड़े किए। असली वैज्ञानिक दिमाग वो है जो इन इमेजेस को, जो दिमाग में नफरत के पिंड हमने खड़े कर रखे हैं, उनको देखता है। वो जो देखेगा वो थोड़ी सी देर में इस पागलपन से आजाद हो जाएगा और उसके अंदर से प्यार का झरना बहेगा। दूसरों का दुख देख के उसकी आंखों से आंसू आएंगे, उसके हाथ जाएंगे मदद करने को, तलवार चलाने को नहीं। जब से परमाणु बम बना है, तलवार बेकाम हो चुकी है, बंदूक बेकाम हो चुकी है। जितना भी इस्तेमाल इन दिनों पिस्तौल का, चाहे वो मिलिट्री की पिस्तौल हो, चाहे वो पुलिस की पिस्तौल हो, चाहे आतंकवादी की पिस्तौल हो, 90% इसका इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए होता है। इंसान की तो एक ही ताकत है, सच्चाई की ताकत। विज्ञान यहां पे है। एक जमाने में था कि भाई बम बना लो, तोपे बना लो, विज्ञान में लोगों ने किया। लेकिन अब नए किस्म के वैज्ञानिकों को, जब परमाणु बम जैसी महासंहारक ताकत आपने बना दी, उससे आगे क्या बनाओगे, कितनी बार धरती को मिटाओगे?
आपको ताकत पैदा करनी धरती के सृजन की, वो ताकत खड़ी होगी सच्चाई से, जब शोषण को शोषण कहने की ताकत पैदा करेगा आदमी। इस ताकत की जरूरत है, विज्ञान वहां आएगा काम करेगा। आपकी वैज्ञानिकता की जरूरत नफरत को पार करके कमजोर तबके के लोगों में ताकत पैदा करने की, वो विज्ञान वहां पे है। कुल मिला के मुझे यही बात कहने की शुरू। धन्यवाद सर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार ढंग से आपने बताया बच्चों को, बहुत शानदार ढंग से आपने हमें, आपने हमें समाज के कुछ हिस्सों के बारे में बताया, समाज विज्ञान में और विज्ञान के कुछ मुद्दों के बारे में आपने हमें बताया। तो मेरा सवाल उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि मैंने बहुत बार हमारी पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ा हुआ था वो सवाल, कि इंसान अगर जब उसके पास इंसान के अंदर एक ग्रंथ होती है, तो उस ग्रंथि जो अलग अलग ग्रंथियों को मतलब आदेश देती है कि अब तुम्हें काम करना है, तो उनमें से एक ग्रंथि होती है कि मतलब वो ग्रंथि होती है कि हमारे अंदर कौन सा हार्मोन निकलेगा, सच्चाई का या मतलब कौन सा भाव निकलेगा। तो हमारे अंदर सारे भाव होते हैं, जैसे सच्चाई का, ईमानदारी का, लेकिन जो मनुष्य होता है वो उनको मतलब हेर लेता नहीं है ज्यादातर, और उन्हें ज्यादा उनको महत्व नहीं देता। जबकि अगर किसी इंसान में घमंड या फिर ईर्ष्या का भाव आता है, तो इंसान उन्हें जल्दी पकड़ क्यों लेता है? आपने इनके बारे में को बताया नहीं, इसलिए सवाल था मेरे। इंसान अलग अलग चीजों को, जो जैसे कि इंसान के अंदर बहुत से भाव होते हैं, इमोशंस छुपे होते हैं इंसान में, तो उनमें से जब सच्चाई का, ईमानदारी का, किसी की मदद करने का जब हमें कोई भाव आता है, तो इंसान उन्हें मतलब ज्यादा पसंद नहीं करता, उन्हें उनसे बचने की कोशिश करता है। और जब उनके अंदर घमंड ईर्ष्या का जब भाव आता है, तो इंसान उन्हें ज्यादा मतलब पसंद करता है, और इंसान को इंसान के ऊपर हावी करने की कोशिश करता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप इसके बारे में कुछ बताओगे? बहुत अच्छा गंभीर सवाल किया बेटा तुमने, लेकिन एक बार समझ लो कि यही हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। अगर सच्ची बात कहने पे गाली पड़ती है, जैसे इस वक्त पड़ रही है, देशद्रोही तक कहा जाता है सच्ची बात कहने वाले को, और नफरत भड़का के वोट हासिल करके हुकूमत में आप प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, आपको अपने अंदर वो ताकत भरनी है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ चली जाए, डजंट मैटर ट्रुथ, दूसरों की के शोषण या दूसरों के हक छीनने का दर्द अगर आपके भीतर है, तो आप कई गुना बेहतर इंसान हैं उस शख्स से जो दूसरों में घृणा पैदा करके मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा नेता बन गया या बड़ा व्यापारी बन गया। वो जिंदगी निकम्मी है, बेकार है। ये सत्यनिष्ठा पैदा करनी, सत्यनिष्ठा से बड़ी ताकत और बड़ा संतोष दूसरा नहीं हो सकता। अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं। जिस वक्त गांधी को गोली लगी, उस वक्त वो गांधी जिसके कहने पर लाखों लोग जेल जाते थे, 1930 के सत्याग्रह में 1,00,000 लोग जेल गए, उसमें 17,000 तो लड़कियां थी, और 50,00,000 लोगों ने एक दिन में नमक कानून तोड़ा था, एक दिन में 50,00,000 लोगों ने गांधी के कहने पर, जिस वक्त गांधी ने मुट्ठी भर नमक उठाया दांडी में समंदर के किनारे से उस दिन। लेकिन वही का आदमी जब गांधी को गोली लगी, उसके कुछ दिन पहले गांधी ने उपवास किया, तो तमाम लोग गांधी को गाली देने लग गए थे। गांधी ने केयर नहीं किया, उस बात की परवाह नहीं की, नतीजा क्या निकला, गांधी मर तो गए। लेकिन जब गांधी मर गए, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आंखें खुली, पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों की आंखें खुली, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पूरी दुनिया के लोगों की आंखें खुली, और हर जगह हिंसा रुक गई। तो एक आदमी का बलिदान सत्यनिष्ठा धरती को हिला सकती है, इस पर हमें यकीन रखने की जरूरत है। और कोई सवाल?
जी हमारी बेटियां बैठी है, कुछ बेटियां तो बोले, किसी बेटी का कोई सवाल? मैंने दाल की बात की, मैंने कपड़ा सूखने की बात करी, तुम्हारे घर में ये सब काम होता है कि नहीं? होता है ना बेटा, तो कुछ और प्रयोग करके देखना। इसी में बारिश के दिनों में लकड़ी क्यों धीरे धीरे जलती है, गर्मी में जल्दी जल जाती है, कुछ प्रयोग करके देखना, मजे आएंगे। सर मेरा एक सवाल है कि आपने मेजरमेंट के बारे में बताया, जैसे गर्मी में और सर्दी में कपड़े जल्दी, और जैसे गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि सर्दी में नहीं, लेकिन हम उसका मेजरमेंट नाप सकते हैं कि क्या हम उसका मेजरमेंट नाप सकते हैं कि इतना इतने समय में वो कपड़ा सूख जाएगा, इसका रीजन क्या है इसे? हाँ बेटा, आसानी से, आसानी से एक काम करो, आप एक काम करो कि एक घर में दो कमरे हो, एक छोटा कमरा एक बड़ा कमरा, तो उसमें आप आधा बाल्टी पानी फेंक दो फर्श पे, दोनों कमरे में उतनी पानी, आधा बाल्टी पानी एक कमरे में, दूसरे आधा पानी दूसरे कमरे में, फिर आप देखोगे कि कितनी देर में कमरे का पानी सूखा, छोटे कमरे का, और कितनी देर में बड़े कमरे का सूखा। आप देखोगे कि बड़े कमरे का पानी ज्यादा जल्दी सूख गया, तो टाइम नाप लो, फर्श कितनी देर में सूखा उसको आप नाप सकते हो, और इस छोटे कमरे का नाप लो, इसको ज्यादा देर लगेगी, तो आप एक रिश्ता निकाल लोगे कि एरिया पे सूखने का टाइम डिपेंड करता है किस तरह, ये निकाल लोगे। उसी तरीके से टेम्परेचर अगर आपके पास है, जैसे जिस दिन आपको कपड़ा सुखाना हो ना, या पानी को जो फैल गया बर्तन में, उसको बर्तन में मान लो हल्का सा पानी भर दो 2 मिलीमीटर, और फिर देखो कि जब हम इसको एक टेम्परेचर पे रखो उसको, तो देखो कितनी देर में वो पानी भाप बन के उड़ता है। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो उसका, और फिर देखो कितनी देर में, यानी टेम्परेचर नापो और कितनी देर में वो पूरा पानी भाप बन के उड़ता है इसको नापो, तो आप टेम्परेचर से एवेपोरेशन का रिश्ता ढूंढ लोगे। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए। पंखे चलाने का भी एक्सपेरिमेंट बन कर सकते हैं, पहले धीरे पंखा चला के देखो, फिर तेज पंखा चला के देखो, उसकी स्पीड 4 स्पीड होती है पंखे में, कम स्पीड, ज्यादा स्पीड, और ज्यादा स्पीड, और ज्यादा स्पीड, तो कितनी देर में वो चीज सूखती है ये आप निकाल सकते हो। अभी मैं जा रहा था ट्रेन में, मेरे कपड़े गीले थे, मैं नहा के बैठा ट्रेन में, तो मैंने कहा अगले दिन क्या पहनूंगा, तो मैंने खिड़की में अपने हाथ पे वो कपड़ा जो था मेरा वो डाल दिया और खिड़की में कर दिया बाहर, वो कपड़ा घंटे भर में सूख गया, जबकि घर में सुखा रहा था मैं, तो उसको 12 घंटे सूखने में लगते थे। अब ट्रेन की रफ्तार पे डिपेंड करता है, अगर ट्रेन तेज जा रही है तो जल्दी कपड़ा सूख जाएगा, और ट्रेन अगर धीरे धीरे जाती है तो देर में सूखता है। तो ये चीज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, अपन अगर आपके पास घड़ी है और ट्रेन की रफ्तार का कुछ एस्टिमेट करने का तरीका है, तो फिर अपन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करके देखो। एक एक्सपेरिमेंट जो मैं बताता हूँ, अगर ऐसा बॉल पॉइंट पेन है ना, तो इसमें जो ढक्कन होता है, ढक्कन ले लो इसका, ऐसा ढक्कन लो जिसमें ऊपर छेद हो, इसमें एक धागा डालना, धागा डालना, ऊपर बांधना बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, और नीचे बांधना बड़ा पत्थर, दो पत्थर ले लेना, धागे से उधर बांध देना, नीचे बांध देना। अब आप देखोगे कि नीचे का पत्थर भारी है, तो ऊपर का पत्थर आके इसके सिर पे बैठ गया, यहाँ पे ऐसा बैठ गया, जैसे कि मान लो ये यहाँ बैठ गया ऐसा। अब क्या करो कि तुम इसको घुमाओ, घुमाओगे तो कुछ देर में देखोगे कि नीचे का भारी पत्थर ऊपर उठता है और ऊपर का पत्थर घूमने लगता है, ऐसा करके देखना, और फिर नापना कि ये जिस रफ्तार कितनी देर में चक्कर मारा इसने, एक ऐसी सूरत में इस तरीके से घुमाओ कि नीचे का पत्थर ऊपर ज्यादा ना उठे, बस एक जगह आकर रुक जाए। तो आप देखो, एक रिश्ता निकालो, इसके रेडियस का रिश्ता, इसकी रफ्तार का रिश्ता, रफ्तार नापना मुश्किल नहीं है, अगर ये पता लगा ले कि एक चक्र कितनी देर में लगाता है तो टाइम नोट कर लो, और एक चक्कर में अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसमें 6 का गुणा करो तो ये दूरी होगी 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर को टाइम से भाग दे तो उसकी रफ्तार निकल आएगी, वेलोसिटी।
तो पत्थर की वेलोसिटी का, इस रेडियस आर का, और नीचे जो पत्थर है उसके वजन का, इनका रिश्ता निकालो, बहुत मजेदार आएगा। अब इस वक्त पूरी चीज लिखने का बोर्ड होता तो लिखता मैं, लेकिन ये बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन करता था ये एक्सपेरिमेंट, ऐसी छोटी छोटी चीजें लेके, आप करके देखो, बहुत मजा आएगा। आपने जो सवाल पूछा, मैं जो समझाया था हम सबको, उसमें से मैं एक सवाल था कि हम भाप से जो पत्थर होता है वो उछल सकता है, तो क्या भाप से पत्थर उड़ भी सकता है? कि मेरे को कोई टेस्ट द्वारा हम इसको समझ सकते हैं क्या? तू कर सकती है पुत्र, तुम्हें अपने घर में करके देख लेना, ये काम तो बहुत आसान है। समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा ये काम कर, तुम्हारे घर में कोई पतीली ले लेना और उस पर एक ढक्कन रखना और ढक्कन पे बहुत सारे पत्थर भी रख देना, या कोई चीज उसको, मैं क्या कहूँ, कैसे बांधोगी उसको? ये तुम्हारे पास चुटकी होती है ना कपड़ा सुखाने में, जब अपन रस्सी पे कपड़ा सुखाते चुटकी से ताकि उड़ ना जाए कपड़ा, चुटकी है घर में तेरे? अगर चुटकी है तो एक काम करना, एक पतीली लेना, पतीली में पानी भरना और एक ढक्कन लेना जिसमें बीच में सुराख हो, और चुटकी से ढक्कन को टाइट कर देना, चार चुटकियां लगा देना ताकि ढक्कन उड़ ना जाए। भाप जब बनेगी ना तो ढक्कन उड़ता है, तो उड़ ना जाए तो चुटकी उसे बंद कर देना, और जो सुराख है उस पर पत्थर रख लेना, और कोई रूमाल से हाथ में अंगूठे में रूमाल लगा के और पत्थर को दबाना। अब जब तुम देखोगी कि जब आग जल रही है नीचे से, तो पत्थर को दबाने में तुम्हें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा भाप बनेगी तो और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और फिर अपना हाथ हटा लेना और भाग जाना वहां से, तो देखोगी जो पत्थर था वो सचमुच उड़ के छत तक जाएगा। अब मम्मी से पहले परमिशन ले लेना, मम्मी मारे ना तुम्हें, वरना तुम मुझे डांटेगी बेटा। लेकिन मजेदार होगा, करके देखो। बहुत खुशी हुई बच्चों से मिलके, आई एम सो हैप्पी। बच्चे अगर इजाजत देते तो मैं एक गजल के दो एक शेर सुना दूं। जी एक शेर सुना दूं बच्चों को? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हुआ कि मैं एक दिन अहमदाबाद गया, तो बच्चों की पढ़ाई की मुझे फिक्र थी, तो मेरे दिमाग में एक गजल आई और उसमें गांधी जी की एक बात थी कि गांधी जी कहते थे पढ़ाई लिखाई के माने कि हम अच्छे सही और गलत का फर्क करना सीख जाएं। पैगंबर मोहम्मद कहा करते थे कि जो बात सही लगे, जब तुम पढ़ो बात ठीक लगे तो उसको अमल, उसको व्यवहार में लाओ। ये उनकी, इस पे मैंने गजल लिखी। चलो पढ़ाई करें के दिल के अंधेरे कोनों को जगमगाए, भले बुरे के फर्क को समझे, कहें जो उसको अमल में लाए। चलो पढ़ाई करें के दिल के, मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए पूरी गजल नहीं गा सकता। कोई नहीं साहब, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों की तरफ से, और आपने बहुत शानदार ढंग से बच्चों को समझाया और ये भी बताया कि विज्ञान पूरी दुनिया का होता है, किसी मुल्क का नहीं होता है। विज्ञान पर जो असर है वो पूरी दुनिया का होता है, लेकिन आज विज्ञान पर कब्जा सत्ता ने कर लिया है, इसलिए सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है। हालांकि हमारे जीवन को बहुत सुखद बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन विज्ञान जिसके हाथों में होता है, जिसके हाथों में नियंत्रण होता है, वैज्ञानिकों के हाथों में नहीं है, बल्कि सत्ता के हाथों में, सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है और मानवता को कष्ट में ला रही है। वो अपने मुनाफे के लिए, अपनी सत्ता के लिए,
अपनी हेगमनी को बनाए रखने के लिए विज्ञान इसका सत्ता इसका दुरुपयोग कर रही है। आपने अद्भुत ढंग से चीजों को बताया, बहुत 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 धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत हमारे पूरे सारे बच्चों की तरफ से धन्यवाद सर आपको, आपने अच्छा बताया और हमारे सवालों के हमें जवाब भी मिले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आते थे अकाल क्यों पड़े, कारखाने होने से दूसरे देश में अकाल क्यों पड़े, कारखाने तो इंग्लैंड में खुले, अकाल हमारे देश में पड़े, कारखाने तो बने इंग्लैंड में, उन कारखानों का माल इंडिया में बिके, उन कारखानों के लिए यहाँ का कच्चा माल वहां जाए सस्ते दाम में जाए, तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों का काम धंधा खत्म हुआ, उनकी आमदनी खत्म हुई, अनाज की पैदावार घटी, दीगर चीजों की पैदावार बढ़ी, जिसका मुनाफा धनी देशों को हुआ, तो हम भूखों मर गए, ये हुआ।